क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने न्यू हार्ड डिस्क ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से परचेज किया हो और कुछ ही दिनों में उसमें ऐसी प्रॉब्लम आने लग गई हो, जैसे डिटेक्शन प्रॉब्लम, विंडो इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम, ब्लू स्क्रीन, हैंग होना या फिर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जिसको लेकर आप सर्विस सेंटर गए जहाँ आपकी नई ली हुई हार्ड डिस्क की वारंटी खत्म हो चुकी है। पर ये तो न्यू हार्ड डिस्क थी ना, लेकिन सर्विस सेंटर वालों का कहना है कि ये पुरानी हार्ड डिस्क है, तो क्या है माजरा? तो इस वीडियो को पूरा देखें और आप भी जान पाएंगे कि न्यू हार्ड डिस्क और ओल्ड हार्ड डिस्क में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले बात करते हैं ओल्ड हार्ड डिस्क की। तो 160 GB, 250 GB, 320 GB, 500 GB, ये सारे हार्ड डिस्क पुराने हैं। इन हार्ड डिस्कों के साथ आपको कोई भी बिल नहीं मिलेंगे। इस हार्ड डिस्क की वारंटी आपको साइन के साथ मिलती है, मतलब आप बेचने वाले की दया पर है। इस तरह के पुराने हार्ड डिस्क में आपको 11 मंथ या 12 मंथ की वारंटी मिल सकती है, लेकिन साथ में पुरानी हार्ड डिस्क में आप बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, जैसे हार्ड डिस्क डिटेक्शन प्रॉब्लम, विंडो इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम, ब्लू स्क्रीन या फिर सिस्टम का हैंग होना। ये हार्ड डिस्क आपको हर जगह मिल सकती है, जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मार्केट्स में। इस हार्ड डिस्क की वारंटी सर्विस सेंटर से नहीं मिलती, बल्कि इसकी वारंटी आपको वहीं से मिलती है जहाँ से आपने इसको परचेज किया है। ये हार्ड डिस्क आपको काफी सारी कंपनियों की मिल सकती है, जैसे WD, Seagate, Samsung, हिताची, तोशीबा और भी बहुत सारी कंपनियां। और एक और बात दोस्तों, आप ये हार्ड डिस्क जहाँ से भी खरीदेंगे वो आपको इसे नई हार्ड डिस्क बोलकर ही बेचते हैं, और ये हार्ड डिस्क आपको वारंटी सीरियल नंबर से नहीं मिलती। इस हार्ड डिस्क की वारंटी ऑफलाइन तो मिल सकती है, लेकिन ऑनलाइन में प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें आपको बिल नहीं मिलता। लेकिन यही मत रुकिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको 1 TB हार्ड डिस्क भी पुरानी मिल जाए। अगर उस हार्ड डिस्क में वारंटी 11 मंथ या 12 मंथ मिलता है तो वो हार्ड डिस्क पुरानी है और शायद उसके रियल प्राइस से थोड़े कम में आपको मिल रही होगी। तो ध्यान रखें, नए हार्ड डिस्क की रेंज 1 TB से शुरू होती है। तो अब जानते हैं और डिटेल में न्यू हार्ड डिस्क के बारे में। तो न्यू हार्ड डिस्क में आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। न्यू हार्ड डिस्क की वारंटी आपको सर्विस सेंटर से उसके वारंटी सीरियल नंबर से मिलती है, और इसकी वारंटी आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं अपने हार्ड डिस्क के ऑफिशियल साइट पर जाकर, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हार्ड डिस्क भी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा। तो नई हार्ड डिस्क की रेंज 1 TB से स्टार्ट होती है, और इससे कम साइज की हार्ड डिस्क न्यू नहीं होती। आपको बता दें कि कंपनी ने 1 TB से नीचे हार्ड डिस्क जैसे 500 GB, 320 GB, 250 GB और इससे भी कम साइज वाले बंद कर दिए, बस शर्त है कि वो SSD ना हो। तो न्यू हार्ड डिस्क ये सारी कंपनियां बनाती है, जैसे WD, Seagate और Toshiba। इस हार्ड डिस्क में कोई भी प्रॉब्लम आने पर इसकी वारंटी आपको सर्विस सेंटर से मिल जाती है, जहां इसे आपको जमा करवाना होता है, जिसके बाद 10 से 15 दिन के अंदर आपको आपकी हार्ड डिस्क आपके ऑफिस या फिर घर में डिलीवर कर दी जाएगी। न्यू हार्ड डिस्क के साथ आपको बिल हमेशा मिलेगा, लेकिन अगर इसके बावजूद वो बिल देने से मना करे और बोले ये न्यू है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, वहाँ से वो हार्ड डिस्क परचेज ना करे, या फिर नंबर 2, वेबसाइट पर जाकर हार्ड डिस्क के सीरियल नंबर से कंफर्म कर ले कि क्या इसकी वारंटी है या नहीं। तो उम्मीद है हमारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी अगली बार कोई हार्ड डिस्क खरीदते समय। तो क्या कभी आपने ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस की है किसी नए वाले पुराने हार्ड डिस्क को खरीद कर? तो अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त और परिवार वाले भी सुरक्षित रहे नए हार्ड डिस्क खरीदते समय और इस तरह के झांसे में ना आए, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, वरना आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो सकती है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।